अबे रे यार, मेरी भी वीडियो एडिट कर दे। अरे एआई से करा लेना भाई। हाँ। जरा थंबनेल बना देगा एक। अरे एआई से करवा लेना भैया। अपनी वीडियो कब करोगे एडिट? अभी करवाऊंगे नहीं एआई से। जी बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब शरीर में बहुत दिक्कत बन रही, कुछ इलाज बताओ इसका। एक काम कीजिए, आप एआई से ही करवा लीजिए। तो कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो निकाली थी 10 AI वेबसाइट्स के बारे में, और तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट्स भर दिए पार्ट 2 के बारे में। तो ये है उस वीडियो का पार्ट 2। तो मेरे पास हमेशा से ये टूल्स का बुकमार्क फोल्डर रहा है, जिसमें मैं अपनी सारी वेबसाइट्स जो भी यूजफुल होती हैं वो डाल के रखता हूँ। जब भी मैं अपनी कोई वीडियोस एडिट करता हूँ या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो उसको खोल लेता हूँ, और वहां से मुझे सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। तो आओ आज तुम्हें उसी टूल्स वाले फोल्डर में ले चलता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है clipdrop.co। अब इस एक ही वेबसाइट में इतने सारे टूल्स है कि तुम ट्राई करते करते थक जाओगे। यहाँ पर तुम्हें सबसे बेसिक से लेके सबसे यूनिक फीचर्स तक मिल जाएंगे, जैसे कि तुम यहाँ पर अपनी इमेज में से टेक्स्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये दोनों ही चीजें करके दिखाता हूँ। क्लीनअप पे जाओ एंड यहाँ पर मैं ये इमेज डाल दूंगा। अब मैं चाहता हूँ इस इमेज में से ये इरेज हो जाए ये पार्ट, और ये टेक्स्ट भी इरेज करके देख लेते हैं, और ये पीछे बैकग्राउंड में से ये खंबा भी इरेज करेंगे। अब देखते हैं ये कितनी देर में इन सबको क्लीन कर पाता है। 1, 2, 2 सेकंड लगी है इसको, और इसने सब कुछ क्लीन कर दिया है। तुम देख सकते हो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, टेक्स्ट भी गायब हो चुका है, पीछे से खंबा भी जा चुका है। अगर मैं यही सब चीज फोटोशॉप में करता मुझे 5 से 10 मिनट इजीली लग जाते। जहाँ पर कोई नया बंदा है जिसे नहीं चलाना आता है फोटोशॉप, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी अपनी इमेज में से कुछ भी रिमूव कर सकता है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर इतने टूल्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो वही जो यहाँ पर हर एक AI टूल कर रहा है हमारा, टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ पर तुम इस वेबसाइट से वो कर सकते हो अनक्रॉप, यानी कि तुम अपनी इमेज को एक्सटेंड कर सकते हो ज्यादा। स्टेबल डूडल, कुछ भी चीज को यहाँ पर ड्रॉ करो और ये उसको एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक फिश की तरह से कुछ बना दिया है, और यहाँ पर तुम स्टाइल्स में सिलेक्ट कर सकते हो नीचे जाके। मैंने यहाँ पर एनिमे वाला सर्च कर लिया, देखते हैं क्या ये फिर थोड़ा एनिमेटेड टाइप बना सकता है इसको। ओ यहाँ पर मुझे डालना भी पड़ेगा, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर फिश इन स्काई, एंड देखते हैं कितना देर लगाता है इसको करने में। अरे ये वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसने 3-4 फिश बना दी है वैसे तो, बट जिस ओरिएंटेशन में मैंने फिश को बनाया था उसी ओरिएंटेशन में है सारी। इसी साइड फेस है लेफ्ट में हमारा, और ये वाला तो यार बहुत ही मस्त लग रहा। तो बढ़िया है ये टूल, और यहीं पर खत्म नहीं होते। तुम यहाँ पर क्लीन अप कर सकते हो जो कि हमने अभी किया, रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड किसी भी फोटो में से। थोड़ी लो रेजोल्यूशन वाली इमेज है हमारी तो तुम उसको यहाँ पर अपस्केल कर सकोगे। तुम अपने किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड दे सकते हो यहाँ से, और ये सब तुम कर सकते हो एक ही वेबसाइट में। अब चलते हैं दूसरी वेबसाइट की तरफ, जो कि है huggingface.co, और ये एक फेसबुक की AI वेबसाइट है जहां से तुम फ्री म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट में टाइप करना है और ये तुम्हें उस तरह का म्यूजिक दे देगा, जैसे कि मैं डालता हूँ इंडियन स्टाइल हिप हॉप बीट, और मैं यहाँ पर दबा देता हूँ जनरेट। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा, और इसको 20 से 30 सेकंड ही लगे होंगे, इसने पूरा म्यूजिक जनरेट कर दिया भाई। सुन के देख लेते हैं। बट इसमें कैच ये है कि ये सिर्फ 15-15 सेकंड का ही म्यूजिक निकालता है। तुम इस म्यूजिक को कहीं भी इंट्रो में यूज कर सकते हो, अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, और ये एकदम फ्री है। इसके बाद जो मेरा फेवरेट टूल है वो है एक ऐप जिसका नाम है लूपसी। अब लूपसी से तुम अपनी इमेजेस और वीडियोस को एक आर्ट के स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे ही तुम यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे, तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे AI फोटोज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला और ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पर तुम्हें फोटो करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तुम वीडियोस भी कर सकते हो छोटी छोटी, जैसे ये वाली है, एंड वीडियोस को थोड़ा हॉरर और आर्टिस्टिक स्टाइल और नियॉन स्टाइल इसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये वाला इफेक्ट तुमने बहुत ज्यादा रील्स पर वायरल देखा होगा, तो वो भी इसी से बनता है। बट इस ऐप का सबसे अच्छा फीचर है, यहाँ पर तुम अपनी इमेज डाल दो और ये तुम्हें बहुत ही हाई क्वालिटी आर्टिस्टिक स्टाइल में उस फोटो को कन्वर्ट करके देगा। इसके लिए तुम्हें फर्स्ट वाले AI फोटो पर क्लिक करना है। इंपोर्ट करने के बाद तुम यहाँ से अपनी कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ये अराउंड 1 मिनट लेगा। उसके बाद तुम्हारी फोटो को ये कर देगा प्रोसेस,
है रेडी पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी इमेज दिख जाएगी, अदर्स पे जाकर तुम इसको सेव कर सकते हो। एंड इसने इस फोटो को बना दिया है कुछ ऐसा, और मैंने यहाँ पर पहले से जो फोटोज को कन्वर्ट किया है वो भी डाल दूंगा। और अगर तुम्हें भी अपनी फोटोज को एक इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो इससे बढ़िया ऐप नहीं है। नेक्स्ट एआई टूल पे चलने से पहले तुम ये देखो, यहाँ पर एक एआई कैरेक्टर आता है और एआई वॉइस में तुम्हें ऐसी बातें समझाता है संसार की जो तुमने आज तक कहीं भी ना सुनी होगी। और अगर आप चाहते हैं आप इस कंटेंट के एडमिन बने, आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर पाए, वंडरशेयर वीरबो से तुम इसी तरह की वायरल वीडियोज निकाल सकते हो। और ये इतना ही इजी है कि इस तरफ से आलू डालो और इस तरफ से तुम्हारा वायरल कंटेंट निकलेगा। और मुझे इसकी सबसे खास बात लगी, तुम इसको विंडोज पे चला सकते हो, मैक पे चला सकते हो, फोन में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने वेब ब्राउजर पे भी इसको चला सकते हो। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही यहाँ पर तुम्हें होम पेज पर ही 150 से ज्यादा एआई अवतार्स देखने को मिल जाएंगे और 120 से भी ज्यादा ऑडियोज और लैंग्वेजेस, और हाँ हिंदी भी यहाँ पर है, ये बाकी वेबसाइट्स की तरह नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो भी तुम टाइप करोगे उसका ये ऑडियो तो बना ही देगा, साथ साथ उसी के कैप्शंस भी ये खुद ही डाल देगा। फिर उसके बाद तुम उन कैप्शंस का स्टाइल चेंज कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर बैकग्राउंड बदल सकते हो, स्टिकर भी लगा सकते हो। और बस इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो एआई से तुम यहाँ पर स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हो। और उसके अलावा मुझे इनकी टेम्पलेट्स भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, इन्होंने खुद से बनाई हुई है, तुम उनको भी ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम वीरबो की फोन ऐप यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर दो नए फीचर देखने को मिल जाते हैं, टॉकिंग फोटोज, यहाँ पर तुम अपनी कोई भी फोटो अपलोड कर दो और टेक्स्ट टाइप कर दो और ये उसकी वीडियो बना के दे देगा जैसे हमने पहले किया, बस अब ये तुम्हारी फोटो के साथ कर रहा है। एंड एआई वीडियो ट्रांसलेशन, तुम अपनी वीडियो को या किसी की भी वीडियो को ट्रांसलेट भी कर सकते हो बिल्कुल इजी एआई की मदद से। तो ट्राई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो। और अगर तुम फोटोशॉप का एआई जनरेटिव फिल वाला फीचर अब तक यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम उसका सब्सक्रिप्शन बाय नहीं कर सकते तो इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ये ही फीचर फ्री में एडोब पर ही कैसे यूज कर सकते हो। और इसके लिए तुम्हें फोटोशॉप किसी की भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसको अपने फोन के ब्राउजर में भी कर सकते हो। तुम्हें जाना है Adobe Firefly और जैसे तुम यहाँ पर जाओगे तुम्हें यहाँ पर देखेगा जनरेटिव फिल वाला ऑप्शन, इस पर जनरेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइन इन कर लो किसी भी फ्री अकाउंट से। उसके बाद तुम इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर तुम्हें अपलोड इमेज कर देनी है अपनी, जैसे मान लो मैंने यही वाली इमेज अपलोड कर दी है तो अब तुम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो वो भी फ्री में। अगर मान लो मुझे ये यहाँ पर प्ले बटन रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर रिमूव पे जाकर इसको इरेज कर दूंगा बस और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने काम करना चालू कर दिया है और यहाँ पर ये तुम्हें फोटोशॉप की तरह तीन ऑप्शन देगा, तुम उसमें से चूज कर सकते हो जो भी तुम्हें सही लगे। वैसे तुम्हें उन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहली बारी में ही ऐसा कर देगा, जैसे कि वहां पर कुछ था ही नहीं। अगर मैं ट्राई करूँ कि ये वाला ब्लैक वाला भी मैं सारा रिमूव करके देखता हूँ, अब देखते हैं ये सेम बैकग्राउंड बना पाता है या नहीं। वैसे तो ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही है, वही एआई ये यूज कर रहा है, मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है अपने थंबनेल्स में भी, मैं आजकल यही यूज करता हूँ और तुम देख सकते हो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पहले कुछ और था। और तुम यहाँ पर और भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहूँ जैसे कि मुझे यहाँ पर कैप लगानी है तो मैं यहाँ पर इरेज करूंगा बालों को और तुम देख सकते हो यहाँ पर इसने कैप लगा दिया और ये ठीक भी लग रही है, सेकंड वाली तो सही लग रही है, थर्ड वाली में थोड़ा अजीब लग रहा है सिर्फ, बट सेकंड वाली ठीक लग रही है। और फिर उसके बाद तुम यहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हो एकदम फ्री, कुछ भी तुम्हें देना नहीं है। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे घर वालों ने पुराने फोटोज निकाले मेरे बचपन के, मेरे बर्थडे के, और कुछ फोटोज उनमें से ब्लैक एंड व्हाइट भी थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको डाला एक वेबसाइट पर जिसका नाम है इमेज कलराइजर और इस वेबसाइट ने मुझे इतना अच्छा आउटपुट बना के दिया उन फोटोज का। अब तुम्हें दिखाने के लिए मैं एक कलर्ड फोटो को यूज करूंगा जिसको अभी के लिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट बना लेता हूँ और अब यहाँ पर उसको अपलोड करते हैं। ये मेरी एक बचपन की फोटो है और मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। और ये है जो इस वेबसाइट ने ब्लैक एंड व्हाइट को कन्वर्ट किया है। अब ये इतना परफेक्ट नहीं है बट अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स की कोई पुरानी फोटोज है या फिर तुम्हारे दादा दादी की कोई पुरानी फोटोज है और वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो तुम इस वेबसाइट से उनको थोड़ा कलरफुल बना सकते हो। अगला टूल है हमारा द मेटा वॉइस डॉट एक्स वाई जी, यहाँ पर तुम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके किसी और की वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो ये है मेरी ओरिजिनल वॉइस और मैंने यहाँ पर अब इस वॉइस को चेंज कर दिया है, क्या तुम पहचान पा रहे हो? एंड यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं, तुम देख सकते हो अभी ये फ्री में दो ऑडियो हमें दे रहा है। तो ये है मेरी ओरिजिनल वॉइस और मैंने यहाँ पर अब इस वॉइस को चेंज कर दिया है, क्या तुम पहचान पा रहे हो? तो ये है मेरी ओरिजिनल वॉइस और मैंने यहाँ पर अब इस वॉइस को चेंज कर दिया है,
क्या तुम पहचान पा रहे हो? और ये इतना अच्छे से काम करता है, तुम चाहे तो रील या फिर फेसलेस चैनल्स इनसे बना सकते हो और तुम्हारी ऑडियो को कोई भी बता नहीं पाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो नहीं लगती है, ये तुम्हारी जैसी ही एक ह्यूमन वॉइस लगेगी। उसके बाद ये वाली वेबसाइट तो मैं हर वीडियो के बाद यूज करता हूँ। अब ये वेबसाइट मैं सबटाइटल्स के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ जो कि यूट्यूब से खुद सिलेक्ट हो जाता है और सिर्फ पांच मिनट में ये मेरी पूरी वीडियो को प्रोसेस करके उसके सबटाइटल लिख देता है और SRT फाइल देता है जो कि मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में या फिर वीडियो में लिंक कर सकता हूँ। और ये हमेशा ही बहुत अच्छे से वर्क करता है। कभी कभी ये थोड़ी टाइमिंग आगे पीछे कर देता है, बट उसको तुम यूट्यूब स्टूडियो में जाके बाद में चेंज कर सकते हो। बट इसकी वजह से मेरा जो बहुत ज्यादा टाइम बचता है वो उसके लिए बेस्ट टूल है। हमारे पास अभी दो वेबसाइट और बची हैं, तो नेक्स्ट है हमारी shorts.so। यहाँ पर तुम अपना कोई भी स्क्रीनशॉट डाल दो, बस वो स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट के मेरे पास बहुत सारे वर्जन ले आएगा। तुम स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, थोड़ा 3D में बना सकते हो, उसको थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हो, रेट्रो दिखा सकते हो, बॉर्डर कर सकते हो, बॉर्डर बड़ा छोटा कर सकते हो, शेडो कम ज्यादा कर सकते हो, पोजिशन उसकी ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें हर ऑप्शन मिल जाएगा। तुम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड को एक सिंपल कलर कर सकते हो या फिर ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। और अगर तुम्हें ये स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से कहीं पे शो करना है तो तुम चाहो तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर तुम मॉकअप्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैकबुक का ही मैं एक वो ले लेता हूँ। और अब ये मैकबुक के अंदर आ जाएगा स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और तुम इस वेबसाइट को कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो, अपने स्क्रीनशॉट को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। उसके बाद आती है हमारी एक और वेबसाइट जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, tinywow.com। उसके बाद तुम्हें इस वेबसाइट में भी इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि तुम इस वेबसाइट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहोगे। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम देख सकते हो, अगर इन सब में से तुम्हें किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है तो तुम इस वेबसाइट की मदद से एकदम फ्री में वो काम कर सकते हो। PDF को इमेज में करना है वो हो जाएगा, वीडियो को GIF में करना है आ जाओ दिखा दूंगा, वीडियो को MP3 में करना है आ जाओ दिखा दूंगा, या फिर वीडियो को कंप्रेस करके साइज में छोटा करना है आ जाओ करा दूंगा, इस वेबसाइट पे सब कुछ आ जाओ करा दूंगा। अब इसमें इतने फीचर है मैं तुम्हें बताता थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि तुम इस वेबसाइट से क्या क्या कर सकते हो और तुम वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो यार। तो अगर तुम्हारे को इसमें से कोई भी वेबसाइट बढ़िया लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी एकदम जबरदस्त थी। और इंस्टाग्राम पे इनमें से कुछ वेबसाइट मैंने पहले से बता रखी है, तो आ जाओ वहां पर भी फॉलो कर लो। और अगर वीडियो भाई पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो। हम चलते हैं इसको सॉल्व कर लाते हैं।